नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना और गीता बाली का है, शमी कपूर साहब की पहली पत्नी। मशहूर एक्ट्रेस गीता बाली, जिन्होंने सबसे पहले राजेश खन्ना की काबिलियत को पहचाना। हिंदी सिने जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को एक्टिंग का शौक हमेशा से था। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तब थिएटर किया करते थे और अपनी एक्टिंग को लेकर राजेश खन्ना इतने समर्पित थे कि एक नाटक के लिए कई दिन घंटों रिहर्सल किया करते। राजेश खन्ना वार्डन रोड के भोला भाई देसाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट में अपने ड्रामे की रिहर्सल करते थे और वहीं राजेश खन्ना को एक्टिंग करते हुए एक्ट्रेस प्रोड्यूसर गीता बाली ने देखा और उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी। अब नए नवेले राजेश खन्ना के लिए गीता बाली जैसी बड़ी हस्ती अगर कोई फिल्म ऑफर करे तो बहुत बड़ी बात थी। अभिनेता अनु कपूर ने अपने रेडियो शो सुहाना सफर विद अनु कपूर में इस किस्से का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि गीता बाली का ऑफिस उसी बिल्डिंग में था जिस बिल्डिंग में राजेश खन्ना अपने नाटकों की घंटों रिहर्सल किया करते थे। उन्हीं दिनों गीता बाली ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा था और गीता बाली राजेश खन्ना को रिहर्सल करते देखती तो उनका समर्पण देखकर वो दंग रह जाती। एक दिन उन्होंने राजेश खन्ना को बुलवाया और राजेश खन्ना आए। गीता बाली ने उनसे कहा कि वो उनकी एक फिल्म में काम कर ले। गीता बाली ने राजेश खन्ना के लिए एक भविष्यवाणी भी की कि एक दिन तुम इस इंडस्ट्री पर राज करोगे। राजेश खन्ना को एक्टिंग से लगाव तो था ही, लेकिन वो बस थिएटर किया करते थे। उन्होंने फिल्मों में काम करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था और इतना आसान भी नहीं था, लेकिन फिल्म का ऑफर मिलने पर वो परेशान हो गए। राजेश खन्ना को चूंकि ज्योतिष शास्त्र में बहुत भरोसा था तो वो ज्योतिष के पास गए और पूछा कि क्या फिल्मों में उनका करियर सफल रहेगा। ज्योतिष ने उनकी कुंडली देखी और कह दिया कि वो एक्टिंग की दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे और एक तरीके से वो कुछ और काम करें। ये भी कह दिया कि आपको क्या काम करना चाहिए। यहां तक कि ज्योतिष ने राजेश खन्ना से कहा कि आप एक्टिंग छोड़ दीजिए और इसके अलावा आप कुछ स्टील, कुछ लोहे, कुछ उस तरीके का काम करिए इन धातुओं से जुड़ा हुआ, और इसमें आपको बहुत सफलता हाथ लगेगी। लेकिन ज्योतिषी की यह भविष्यवाणी बिल्कुल गलत साबित हुई। राजेश खन्ना न केवल एक सफल एक्टर बने बल्कि उन्होंने लोकप्रियता के सभी पैमानों को तोड़ दिया, ही हम सभी जानते हैं। उनके जैसी लोकप्रियता आज तक किसी एक्टर को नसीब नहीं हुई। राजेश खन्ना ने हिंदी सिनेमा जगत में आखिरी खत से डेब्यू किया। फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया और इस फिल्म के गाने किशोर कुमार ने गाए जो काफी लोगों को पसंद भी आए। काका ने लगातार 15 हिट फिल्में दी जो एक रिकॉर्ड था और आज तक कोई इसे तोड़ नहीं पाया। हम सभी जानते हैं, कई बार मैं अपने पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र कर चुका हूं, लेकिन इस सुपरस्टार के साथ विडंबना ये रही कि जिस तेजी से काका का सितारा बुलंदियों पर पहुंचा उसी तेजी से नीचे भी आ गया और ये काका के साथ ये दिक्कत हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता बाली ने जो ऑफर राजेश खन्ना को दिया था बाद में काका की जगह किसी और को ले लिया और ये कहा कि आगे तुम्हें किसी दूसरी फिल्म में लेंगे। किस्मत देखिए। फिर राजेश खन्ना कंपटीशन में भाग लेते हैं जो नेशनल लेवल पर था और तमाम सितारे उसमें आते हैं, विनोद मेहरा और फरीदा जलाल भी फाइनलिस्ट में थे। उस कंपटीशन को जीतकर राजेश खन्ना सुपरस्टार बन जाते हैं। एक के बाद एक, बैक टू बैक 15 सुपरहिट फिल्म आज तक का रिकॉर्ड है, कोई तोड़ नहीं पाया और आगे कोई तोड़ पाएगा ऐसे आसार तो लगते नहीं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।